तो गाइज आज मेरे पास है इन्फिनिक्स का नोट 40 5G और पिछले 5 दिनों से इस मोबाइल को मैं अपना डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ और टेस्ट करने के बाद समझने का कोशिश कर रहा हूँ क्या ये मोबाइल सच में लेने लायक है। और टेस्ट करने के टाइम इस मोबाइल में मुझे कुछ फीचर्स सच में मुझे कमाल का लगा है भाई। अब देखो स्मार्टफोन यूजर भाई अलग अलग तरीके का होता है। कुछ यूजर मुझे कमेंट करता है मुझे एक बेस्ट गेमिंग फोन बता दो, मुझे सिर्फ गेमिंग ही करना है। कुछ यूजर ऐसा भी होता है जो कि ऑलराउंडर फोन चाहता है, मतलब हर एक फीचर्स अच्छा चाहिए। कुछ यूजर ऐसा भी कमेंट करता है मुझे एक ऐसा फोन बताओ जो कि डिस्प्ले और बैटरी में अच्छा होना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट वॉच करता हूं, मतलब इंस्टा फेसबुक या फिर व्हाट्सएप वगैरह चलाता है, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। तो भाई ये फोन कौन सा यूजर के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अगर आप एक लाइक करोगे तो वीडियो थोड़ा सा चल जाएगा। शुरुआत करते हैं फोन का बॉक्स से जो कि आपको ग्रीन कलर में कुछ इस तरीके का मिलेगा और इस बॉक्स के अंदर ये फोन के साथ सारे कंटेंट मिल जाता है जैसे कि ये चार्जिंग एडाप्टर, टाइप ए टू टाइप सी वाला केबल, सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूजर मैनुअल, एक हार्ड टाइप का बैक केस और ये कोई नॉर्मल बैक केस नहीं है भाई, इससे आप ना वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो, आगे दिखाता हूं। और ये आपको टेम्पर्ड ग्लास भी बॉक्स के साथ मिल जाता है। तो जो लोग मोबाइल खरीदते ही भागता है दुकान में भाई टेम्पर्ड ग्लास लगाने के लिए, उसको भागने का जरूरत नहीं है क्योंकि बॉक्स के अंदर ही वो चीज आपको मिल जाता है। और बॉक्स के अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिलता है और इसके अंदर आपको मेक किट मिल जाता है भाई, जो कि आप यहां पर देख सकते हो राउंड टाइप का है। अब देखो भाई ये जो मेक किट है देखने में तो छोटा सा है लेकिन इसी से आप इस मोबाइल को वायरलेस चार्ज कर सकते हो। और ये मेक किट भाई 2000 रुपया का है लेकिन ये आपको इस मोबाइल के साथ बिल्कुल ही फ्री मिलता है। इस फोन के साथ बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है वो आपने देख लिया। अब चलिए फोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिजाइन से। देखो मेरे पास जो ये कलर है भाई ये गोल्ड कलर है और सच बताऊं तो यही कलर मुझे सच में अच्छा लग रहा है देखने में और कूल भी लग रहा है। बाकी यहां पर बैक पैनल देख सकते हो मेट फिनिशिंग है और साथ में आपको यहां पर इन्फिनिक्स 5G का ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है जिसमें आप नोटिस करो 2 सेंसर में आपको शाइनी सा लुक देखने को मिल रहा है और यहां पर और एक सेंसर है और एलईडी लाइट जो है रिंग टाइप का वहां पर आपको थोड़ा सा अलग टेक्सचर टाइप का डिजाइन है। बाकी यहां पर लिखा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो फोन का कैमरा सेंसर में छोटा छोटा भाई डिजाइन में काफी अच्छा काम किया है। और इस फोन का कैमरा में ना बैक साइड में आपको एक होला लाइट भी मिलता है दोस्तों, जो कि आप चार्ज में जब मोबाइल लगाओगे या फिर जब नोटिफिकेशन वगैरह आता है उस टाइम में ये जलता है और देखने में भी भाई बैक साइड से फोन काफी अच्छा लग रहा है। फोन आया है फ्लैट डिजाइन के साथ, मतलब फ्लैट फ्रेम आपको मिल जाता है जहां पर आपको स्टील टाइप का डिजाइन या फिर फ्रेम देखने को मिलता है। बाकी बैक साइड का जो मटेरियल है दोस्तों वो प्लास्टिक का है बट अच्छा क्वालिटी का है, पीछे से ये दब नहीं रहा है, मतलब बिल्ड क्वालिटी सच में इसका काफी अच्छा है। और फोन को अगर आप साइड से देखोगे तो ये फोन आपको काफी पतला भी फील होगा और साथ में ये फोन लाइट वेट भी है, अगर आप सिंगल हाथ में यूज करना चाहते हो तो इसको आप यूज भी कर सकते हो। बाकी इसका फ्रंट साइड देखोगे तो फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल डिस्प्ले मिल जाता है जिसका चीन और बेजल आप देख सकते हो भाई काफी कम है, ना के बराबर है और इस बजट में इस फोन का डिस्प्ले मुझे सच में काफी बढ़िया लगा। बाकी इस फोन में वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP53 का रेटिंग भी है। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो भाई इस फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगा, लेकिन इसका जो बाहरी हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे के साइड में देखो यहां पर स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, माइक मिल जाता है, इस साइड में आपको सिम ट्रे मिलता है, सिम ट्रे बाहर निकाल के दिखा देता हूं, 2 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड यानी भाई डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट दिया है और साथ में ऊपर के साइड में आपको JBL का ब्रांडिंग और साथ में स्पीकर और दूसरा नॉइस कैंसिलेशन माइक है और साथ में ईयर ब्लस्टर भी आपको मिल जाता है। इस साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको 2 चीज बताना चाहूंगा, पहला तो यहां पर ईयर ब्लस्टर है जिससे इस मोबाइल को आप एज ए रिमोट भी यूज कर सकते हैं टीवी के लिए और दूसरा यहां पर भाई 2 स्पीकर है वो भी JBL स्पीकर का सपोर्ट। अब देखो JBL स्पीकर है तो साउंड तो अच्छा होना ही चाहिए, तो इस फोन का साउंड एक्चुअली में काफी अच्छा है, लाउड है, क्लियर है, फटता नहीं है, बेस भी काफी अच्छा निकाल के देता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इस फोन का डिस्प्ले मुझे सच में काफी बढ़िया लगा है और यहां पर जो डिस्प्ले है वो भाई 6.78 इंच का डिस्प्ले यहां पर यूज किया गया है जो कि एक फुल HD वाला LTPS AMOLED डिस्प्ले यूज किया है जहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और सच बताऊं तो यहां पर कलर भाई मस्त निकाल के देता है, 10-bit कलर का सपोर्ट है और इस मोबाइल से अगर आप YouTube वगैरह वॉच करते हो तो वहां पर 4K वीडियो आराम से चल जाता है। बाकी यहां पर कलर वगैरह भाई मस्त निकाल के देता है। तो भाई 1300 nits का पीक ब्राइटनेस है तो आउटडोर में भी यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और साथ में इस मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है तो ये भी काफी अच्छा है, फास्ट है, मैंने टेस्ट करके देखा है, यानी इस फोन का डिस्प्ले में भी आप शिकायत नहीं कर सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छा लगा है भाई इस मोबाइल का वो है इस मोबाइल का UI। देखो ये फोन आया है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ जहां पर XOS 14 भी दिया है लेकिन ये फोन क्लीन UI के साथ आया है। जितना सारा मोबाइल में एप्लीकेशन है सारे आपको गूगल का या फिर इन्फिनिक्स का मिलता है और एक एक्स्ट्रा है भाई फेसबुक एक्स्ट्रा दिया है। और इन्फिनिक्स प्रॉमिस क्या है,
इस फोन में आपको 2 साल का अपडेट, मेजर अपडेट मिलेगा, एंड्रॉइड 15 और 16 का अपडेट मिलेगा, और साथ में 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देने वाला है। मतलब अपडेट का भी कोई इशू नहीं रखा है। बाकी इस फोन का यूआई में भाई फीचर्स का कोई भी कमी नहीं है। आप चाहो तो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अगले वाले बंदे को कुछ नहीं पता चलता है, ऐप हाइड कर सकते हो, ऐप लॉक कर सकते हो, साथ में और भी काफी सारा फीचर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर्स मुझे इस मोबाइल का अच्छा लगा है वो है भाई इस मोबाइल का बैटरी डिपार्टमेंट। देखो फोन में आपको 5000 यानी 5000 एमएच का बैटरी दिया है, और इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट मुझे सच में काफी इंप्रेस किया है, क्योंकि मैं पिछले 5 दिनों से इस मोबाइल को यूज कर रहा हूं, तो बैटरी में भाई इस मोबाइल में कोई इशू नहीं है। 5000 एमएच का जो बैटरी बैकअप होना चाहिए वो आपको इस मोबाइल में मिल जाता है। मोबाइल को वायरलेस चार्ज करने के लिए ये वाला जो बैक केस दिया है दोस्तों, इसको आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है, और केस को लगाने के बाद मोबाइल का डिजाइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो ये भी कूल है। और उसके बाद जो ये मेक किट दिया है ना, उसको सिंपली आपको इसके पीछे कुछ इस तरीके से चिपका देना है, मोबाइल भाई वायरलेस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बता दूं इस मोबाइल के साथ आपको 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिलता है और 33 वाट का नॉर्मल चार्जर मिलता है, और गेमिंग यूजर के लिए यहाँ पर बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दिया है भाई। बाकी ये फोन सिंगल फ्रंट में आया है 8GB 256GB के साथ, जहां पर LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। और फोन का मैंने रैम मैनेजमेंट भी चेक करके देखा है, तो उसमें भी भाई कोई इशू नहीं है। नॉर्मल यूज करने के टाइम जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड भाई ये मोबाइल निकाल के देता है। बाकी यहाँ पर जो कैमरा सेंसर है ना, बैक साइड में आप देख रहे हो ट्रिपल रियर कैमरा है, मेन सेंसर भाई 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर यूज हुआ है। सबसे पहले इसका कुछ कैमरा सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। माइक्रोशॉट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेल्स वगैरह काफी अच्छा, कलर वगैरह ठीक ठाक निकाल के देता है। बाकी नेचुरल कुछ फोटो भी यहाँ पर देख सकते, काफी अच्छा निकाल के देता है। ह्यूमन फेस में भी फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हो। जो प्राइस रेंज में ये फोन आया है उस बजट में फोटो एक्चुअली में काफी अच्छा निकाल के देता है। लेकिन अगर आप इसका सेल्फी कैमरा देखोगे तो ये आता है 32 मेगापिक्सल के साथ, जहां पर आपको एलईडी लाइट भी मिल जाता है। अब देखो इसका कुछ सैंपल मैं आपको दिखाता हूं, आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हो। स्किन टोन, कलर, एच डेडिकेशन सब कुछ बढ़िया निकाल के देता है। लेकिन जब मैं पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचता हूं तो उस टाइम भाई थोड़ा सा ब्यूटी टाइप का कर देता है, देखने में और ज्यादा खूबसूरत होता है। तो फोटो के मामले में तो ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2K का रेजुलेशन में वीडियोग्राफी करने का ऑप्शन देता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। बाकी इस फोन को पावर दे रहा है भाई मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020। सबसे पहले इस फोन का अंतुदु स्कोर मैंने निकाला है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो। तो पिछले 5 दिनों से इस मोबाइल को मैं यूज कर रहा हूँ, और 5 दिन में मुझे डे टू डे यूज में तो इस मोबाइल में कोई भी इशू या फिर प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ है। कभी भी हल्का सा जीटेक हैंग वगैरह नोटिस नहीं हुआ है। बाकी इसमें मैंने गेम वगैरह भी खेल के देखा है भाई, नॉर्मल गेमिंग में इस फोन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ है। बाकी भाई कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, 14 5G बैंड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ड्यूल 5G मैंने यूज करके देखा है, तो 5G का जो स्पीड था वो काफी अच्छा था। तो फोन में इन्फिनिक्स ने क्या कुछ दिया है वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, लेकिन भाई अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये फोन कौन सा यूजर को टारगेट करता है। देखो ये फोन एक भाई बैलेंस फोन है, मतलब फुल्ली बैलेंस फोन आप इसको कह सकते हो। अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो आप इसमें कर पाओगे। कैमरा भी इसका ठीक ठाक है, मैंने दिखाया आपको सिंपल। साथ में यहाँ पर जो बैटरी डिपार्टमेंट है, और साथ में जो वायरलेस चार्जिंग, और साथ में फोन का डिस्प्ले मैंने आपको दिखाया भाई, काफी बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले इस फोन में यूज किया है, और डिजाइन भी भाई फोन का अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, और साथ में फोन आया है क्लीन यूआई के साथ। तो देखो ये चीज ना इस मोबाइल को एक बैलेंस फोन बनाता है। जो लोग एक बैलेंस फोन चाहता है भाई, मुझे लगता है उसके लिए ये फोन एक बेस्ट फोन हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, ये फोन आपको कैसा लगा जरूर से मुझे आप कॉमेंट करके बताना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पिछले 5 दिनों से भाई मेहनत करना पड़ा है, तो प्लीज इस वीडियो को हो सके तो अपना दोस्त, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार के पास शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जाने से पहले ये वाला वीडियो चेक करना, या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।